हेलो फ्रेंड्स, कैंडी किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चावल की एक नई रेसिपी, जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर चावल लिए हैं, उन्हें अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इन्हें एक मिक्सी के जार में डालेंगे। और इन्हें पीस देंगे। हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। हमने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से फोड़ लेंगे। आप चाहो तो इन्हें कद्दूकस करके भी फोड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। आलू हमारे अच्छी तरह से फूट चुके हैं, इसमें बिल्कुल गांठें भी नहीं रही हैं। अब हम इन्हें एक साइड में रख देंगे। हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें 1 कटोरी कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर घिया अपना कद्दूकस कर लिया है, इसे भी इसी में ऐड कर देंगे। ये कटी हुई हरी मिर्ची, ये जो आलू हमने लिए थे उन्हें भी इसी में ऐड कर देंगे। एक चम्मच नमक लिया है, इसे भी इसी में डाल देंगे। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अब हम इसमें अपना चावल का पेस्ट डालेंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पेस्ट हमारा अच्छे से मिल चुका है। हम इसे अपनी पराती में बाहर निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम इसे अच्छे से हाथ से गूंथ लेंगे। चावल का आटा हमारा अच्छे से गूंथ के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। हम इस आटे की यहाँ पर लोइयाँ बना लेंगे। हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है।
हमने यहाँ पर तवा लिया है, ये हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पर अपने पराठा डाल देंगे। हम इसे दूसरी साइड से पलट देंगे और इसे अच्छे से सिकने देंगे। अब हम इस पर ऑयल लगा देंगे। और इसे दूसरी साइड से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी ऑयल लगा देंगे। इसे ऐसे पलट देंगे और इसे अच्छे से सिकने देंगे। ये पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से देखिए सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देंगे ताकि इसका सारा तेल ऑब्जर्व कर ले। इसी तरह हम अपने सारे पराठे बना लेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए हमारे पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं। इन्हें हम रोल बनाकर भी सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये देखने में देखिए कितने मुलायम बने हैं। तो फ्रेंड्स बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।